आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक सवाल उठ रहा है कि ये अलकादर ट्रस्ट वाला जो मामला है, क्या इसमें हुकूमत वेल प्ले कर सकती है? आपको लग रहा है कि हुकूमत इतने ठोस चीजों के साथ आई है, मौजूद है, और क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी का भी नाम सामने आ रहा है? पहले तो मैं ये आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से हुकूमते वक्त से ये कहूंगा कि वो नैब के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। जो पहले इमरान खान साहब के दौर में होता रहा है उसको एग्जाम्पल कोट करके नैब को इंडिपेंडेंट रहने दे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि नैब की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें इतने नए लोग इन्होंने भर्ती किए हुए हैं कि आप देखें कि कितने अच्छे अच्छे केस थे जो कि इनकी नाकस तफ्तीश की वजह से अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि वो बरी हो गए। आप फिर एतराज होता है जी कि अदालतों ने बरी कर दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। अदालतें फाइल से बाहर नहीं जा सकती, और अगर फाइल में कुछ है ही नहीं तो अदालतें कैसे सजा देंगी? सजा देना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बड़ा काम होता है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि नैब पे अब डिपेंड करता है कि नैब ने कौन कौन सी एविडेंस कलेक्ट की है। और अब एक और जो बड़ी बुरी चीज है, मैं नैब के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे फिर एक बार तनकीद कर रहा हूं कि ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड विटनेसेस इसमें डाल देते हैं और इतने गैर जरूरी विटनेसेस, इतने गैर जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं कि उनको प्रूव करना उनके लिए मसला बन जाता है, और वो रेफरेंसेस लंबे भी हो जाते हैं और फिर वो प्रूव भी नहीं कर सकते। जितनी एक सेट ऑफ विटनेसेस मुनासिब हद तक हो सकता है वो रखें, और डॉक्यूमेंटेशन जितनी मुनासिब है वो। अभी वाले केस में जो तरमीम हुई है उसके बाद तो नैब ने ये प्रूफ करना है ना, ये सब चीजें तो नैब पर जाती हैं। पहले तो जाहिर है कि एग्जैक्टली नैब ने ही करना है, नैब पे ही ऑनस है, और जो आईयू है उसने सारा केस देखे। अभी तक जो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इंक्वायरी के बाद अगर जारी किया है चेयरमैन नैब ने तो इसका मतलब ये है कि दौरान इंक्वायरी ऐसी सफिशिएंट एविडेंस आईओ को मिल चुकी है जिसकी बुनियाद पे एग्री हो के चेयरमैन नैब ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया और अब मामला इन्वेस्टिगेशन की तरफ चल गया। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, पहले इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अब जबकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है और 8 दिन का रिमांड मिल चुका है तो मैं समझता हूं कि 8 दिन सफिशिएंट हो गए इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए, बशर्ते कि अगर कहीं बाहर से कोई उन्होंने एविडेंस कलेक्ट ना करनी हो तो ठीक है। लेकिन पश्चिम साहब, अगर ये साबित हो जाता है और जो चीजें जैसे चल रही है और जैसे नैब इंक्वायरी कर रही है, अगर ये सब कुछ वाकईतन इमरान खान साहब गिल्टी निकलते हैं होता है, तो कानून के मुताबिक या नैब कानून के मुताबिक मुझे बताएं कि हमारे सिस्टम में क्या सजाएं क्या हैं और क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, सजाएं मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं पता कौन कौन से सेक्शन इस पे ऐड किए गए हैं, लेकिन इसमें 5 साल भी है, 7 साल भी है, और 10 साल भी, और उससे ऊपर भी। लेकिन मैं इमरान खान साहब के केस में जो सबसे अहम बात है वो ये है, जिस तरह के यूसुफ रजा गिलानी साहब को कंटेंट में टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा हुई, दैट वाज सफिशिएंट फॉर हिम। यहाँ पे तो अगर थोड़ी सी भी सजा हो गई तो ये सफिशिएंट होगी इनकी नायली के लिए, तो ये इमटेरियल है कि कितनी होगी इनके लिए। बस 5 साल भी हो जाए या 7 साल भी हो जाए, 10 साल भी हो जाए, तो ये इनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसके जब सजा वो नायल जो है वो होकर पाएगी जब तक सजा है।